नमस्कार, आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नज़र। और जिस पहली खबर पर हमारी नज़र रहेगी वो है चुनाव आयोग ने जिस तरह से मंगलवार को एकनाथ शिंदे गुट को भी चुनाव चिन्ह जारी कर दिया है उसके बारे में। आयोग ने उन्हें दो तलवारें और ढाल बना चिन्ह जारी किया है। मालूम हो कि उद्धव ठाकरे को टॉर्च और मशाल वाला चिन्ह जारी किया गया है, वहीं उनकी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रखा गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे से चुनाव चिन्ह के लिए तीन विकल्प मांगे थे। दिए गए विकल्पों के आधार पर शिंदे गुट को यह चिन्ह जारी किया गया। एकनाथ शिंदे गुट को सोमवार को बाला साहेबची शिवसेना नाम दिया गया है। एकनाथ शिंदे गुट ने इससे पहले भी चुनाव आयोग को तीन विकल्प दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन तीन विकल्पों में से दो को रिजेक्ट कर दिया। वहीं तीसरा वाला क्योंकि डीएमके के चुनाव चिन्ह से मेल खा रहा था, ऐसे में उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। तो अब तलवार और ढाल के साथ शिंदे चुनाव मैदान में उतरेंगे एकनाथ शिंदे, वहीं टॉर्च और मशाल के साथ उद्धव गुट मैदान में रहेगा। तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना होगी और दो तलवारों और ढाल वाला जो ये साइन है ये एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग ने दिया है। तो शिंदे गुट को बाला साहेबची शिवसेना नाम मिला है और उद्धव गुट को मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया है। तो शिवसेना के शिंदे गुट ने संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की विरासत के साथ साथ पार्टी के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। साथ ही मांग की थी कि उद्धव ठाकरे समूह को इसका उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद आयोग ने इस प्रतीक पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया। आयोग ने धार्मिक अर्थों का हवाला देते हुए चुनाव चिन्ह के रूप में त्रिशूल की मांग करने के उद्धव गुट के दावे को खारिज कर दिया था। शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुट की बीच विवाद को लेकर निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक आदेश भी जारी किया था। उद्धव ठाकरे नीत गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम आवंटित किया, जबकि एकनाथ शिंदे के गुट को बाला साहेब ची शिवसेना यानी बाला साहेब की शिवसेना नाम आवंटित किया गया है। और अभिमन्यु शितोली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से। अभिमन्यु जी, कल भी हमारी इस विषय में बात हो रही थी और चुनाव चिन्ह का इंतजार था एकनाथ शिंदे गुट को, अब मिल गया तलवार और दो ढाल। तो ये जो दो गुट हैं जिनके बीच ये अब देखने को मिले गए चुनावी जंग, उसमें कितनी ढाल बचा पाएगी एकनाथ शिंदे को या मशाल लेकर दौड़ पड़ेंगे उद्धव ठाकरे? वाकई में इस चुनाव चिन्ह के आवंटित हो जाने के बाद क्या लग रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति क्या कह रही है अब? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति तो पिछले कई दिन से चल रही है, उसमें उसका ये एक पड़ाव है कि चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए दोनों पार्टियों को ये दो नाम और दो चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। लेकिन इसमें अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक जो है उस सीट पर शिंदे का जो बाला साहेब की शिवसेना जो पार्टी का नाम मिला है, जो ढाल तलवार चुनाव चिन्ह मिला है, उसको लेके शिंदे चुनाव मैदान में उतरते हैं नहीं, अब तक साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि शिंदे और बीजेपी दोनों एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बात की जा रही है और बीजेपी की तरफ से अपना उम्मीदवार लगभग उन्होंने तय कर दिया है और उनका जो केंद्रीय चुनाव कार्यालय है उस विधानसभा क्षेत्र में उसका उद्घाटन भी बीजेपी कर चुकी है। लेकिन अब चर्चा यह है कि जिस तरह शिंदे गुट के जो विधायक हैं, जो अन्य नेता हैं, वो बार बार एकनाथ शिंदे पर ये प्रेशर बना रहे हैं कि मुंबई में शिवसेना को टक्कर देना चाहिए, इसलिए हमें अपना उम्मीदवार इस चुनाव में उतारना चाहिए। अब अगर शिंदे गुट अपना उम्मीदवार उतारती है तो क्या बीजेपी और शिंदे गुट, मतलब जो बाला साहेब की शिवसेना जो उनको पार्टी का नाम मिला है, उनके बीच में मैत्रीपूर्ण लड़ाई होगी
या बीजेपी अपना उम्मीदवार वापस लेकर शिंदे गुट को समर्थन देगी, ये अभी एक दो दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियों में अपने नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है, वो काफी अपने आप में रोचक है। और जैसे ही शिवसेना को मशाल उनका चुनाव चिन्ह मिला, उसके बाद रविवार की रात से लेकर अब तक लगातार शिवसैनिक जो है अलग अलग क्षेत्रों में, राज्य भर में, न सिर्फ मुंबई में बल्कि राज्य भर में अलग अलग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। कल भी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो अध्यक्ष हैं उनके घर पर एक शिवसैनिकों का बड़ा हुजूम जो है मशाल जुलूस लेकर के गया था। अंधेरी के चुनाव क्षेत्र में भी बड़ा एक बड़ा विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। तो ये पूरी एक कवायद है, एक कोशिश है कि अपना चुनाव चिन्ह ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी लोगों के बीच उसको प्रचारित करने का। और शिवसेना मतलब उद्धव गुट के पास मुंबई और महाराष्ट्र में जो नेटवर्क है गांव-गांव में जी। वो इस तरह से अपने अच्छा शिवसेना के लिए मशाल कोई नया चुनाव चिन्ह तो है नहीं। हाँ। इससे पहले भी वो दो तीन चुनावों में इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग कर चुकी है। और कल जब उद्धव ठाकरे के पास शिवसैनिक गए थे तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव चिन्ह जो है वो गद्दारों और अन्याय को जलाकर राख कर देगी। इसी तरह का जो चुनाव जब शिंदे गुट को मिला ढाल तलवार, तो उन्होंने कहा कि ये ढाल जो है वो सज्जनों की रक्षा के लिए है और तलवार जो है वो दुर्जनों की सहार करने के लिए है। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार चल रही है। और बीजेपी अपना शिंदे गुट के जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये मशाल तो आग लगाने का काम करती है, हमारी ढाल तो लोगों का रक्षण करने का काम करती है। तो दावे प्रतिदावे चल रहे हैं। शिवसेना के नेताओं का ये भी कहना है कि ये ढाल तो बीजेपी की है और तलवार गद्दारी की है। तो ये एक भावनात्मक प्रचार करने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा शिवसैनिकों को भावनात्मक रूप से अपने साथ करने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए इस तरह की बातें रविवार से बड़े बड़े पैमाने पर, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या सार्वजनिक सभाओं के जरिए हो या नेताओं के भाषणों के जरिए हो या मीडिया में दिए गए बयानों के जरिए हो, ये इस तरह का भावनात्मक प्रचार मुंबई में शुरू हो गया है। जी अभिमन्यु जी, बहुत शुक्रिया हमसे ये तमाम बातचीत के लिए आपका। तो अभिमन्यु शितोले जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े थे। और किस तरह भावनात्मक रूप से अपने पार्टी के चिन्ह को जोड़ने की कोशिश दोनों ही गुट कर रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट हो। और शिवसेना अब दो गुटों में है, एकनाथ शिंदे को मिल गया है चुनाव चिन्ह और इस तरह मशाल और तलवार ढाल के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा। इधर मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होने जा रही है। सभी कॉलेजों में हिंदी अनुवाद की किताबें भिजवाई जा रही है। खास बात यह है कि कोई भी शिक्षक अलग से हिंदी में लेक्चर नहीं लेगा, अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ने वाले छात्रों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। ये वैकल्पिक होगा, जो छात्र हिंदी मीडियम में पढ़ाई करना चाहेगा वो विकल्प चुन सकेगा। 16 अक्टूबर को भोपाल में मुख्य कार्यक्रम होगा। इसमें MGM मेडिकल कॉलेज, अरविंदो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 500 से ज़्यादा छात्र शामिल होंगे। कई फैकल्टीज़ भी जाएंगी, हालांकि अलग से कोई कक्षा नहीं लगेगी। इसके लिए शिक्षक हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में छात्रों को पढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में 11वीं और 12वीं के छात्रों को भी बुलाया है। तो अब हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई, और हालांकि ये वैकल्पिक होगा, हालांकि इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। तो जो हम आमतौर पर इंग्लिश में ही समझते हैं, दरअसल हम इंग्लिश अब बोलने लगे हैं। इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। तो कई जगह शायद जब हिंदी का जो मूल अर्थ है उसके अनुसार हिंदी में जब ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश शब्द को, तो वो कैसा लगेगा, क्या उसका उपयोग करना उतना उचित रहेगा, ऑपरेशन को क्या हम शल्य क्रिया कहेंगे, ब्लड प्रेशर प्रचलित शब्द है, निम्न रक्तचाप या उच्च रक्तचाप जब कहेंगे तो क्या ये बोलचाल की भाषा में आ पाएगा, छात्रों को किस भाषा में पढ़ाई करना है, ये हालांकि निर्भर उन पर ही है। मेडिकल की हिंदी में पढ़ाई के दौरान व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। स्पाइन को मेरुदंड लिखने पर कितने छात्र इसे समझ पाएंगे, हालांकि हम हिंदी भाषी हैं और हमें सब समझना चाहिए। हिंदी तो हमारी बेहतर होनी चाहिए, न सिर्फ दुरुस्त बल्कि बहुत बेहतर होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अब चूंकि इतने समय से हम इंग्लिश में पढ़ते आए हैं, बचपन से ही कुछ चीज़ों को हमने इंग्लिश में सुना और पढ़ा है, अब हिंदी में जब वो भी मेडिकल की पढ़ाई जिसमें कई टर्म्स ऐसे होते हैं जो बड़े टफ होते हैं,
तो क्या उनको बच्चे बोल पाएंगे, समझ पाएंगे और बोलचाल की भाषा में हम कितना उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो भी भाषा आपके लैंग्वेज में होती है एक्चुअली वही आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, उसमें समझा पाते हैं। इवन आप भावनाओं को भी तभी समझ पाते हैं जब आपकी लैंग्वेज में होती है। और पूर्व कुलपति जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएफ शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और एक सवाल शर्मा जी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि हिंदी में पढ़ाई की शुरुआत होने जा रही है, कितना प्रैक्टिकल है ये? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि जी जिस विषय से, जिस भाषा से हम शुरू से संबंध रहते हैं, उसे सीखना और उसको पढ़ना और उसके साथ उसको समझाना काफी सरल हो जाता है। तो एक बात तो ये है कि प्रैक्टिकल तो है, उसमें केवल अभी तक प्रॉब्लम ये आता था कि किताबें ही उपलब्ध नहीं थी इसमें, इस भाषा में। तो क्योंकि किताबें वो लोग हो जाएंगी तो किसी किस्म को प्रॉब्लम नहीं आएगा। केवल एक चीज है, यदि जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि अपन बोन का नाम लें, जैसे अपने हाथ के जो पैर की हड्डी होती है, अपना फीमर होती है मान लीजिए, तो फीमर को फीमर ही बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि वो यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे कंट्री में और आगे के दूसरे विश्व के दूसरे हिस्सों में भी जब इस चीज को देखा जाए तो वो फीमर फीमर ही रहे, उसका कोई दूसरा नाम ना लें। तो टेक्निकल वर्ड्स का नाम टेक्निकल ही रखें, उसमें इंग्लिश हिंदी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बाकी जो ग्रामर है, बोलने की शैली है, वो सब हिंदी में रहने से हाँ काफी पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों में काफी सरलता रहेगी। जी डॉक्टर आर एस शर्मा जी, लेकिन कई शब्द ऐसे होंगे जैसे कि दिक्कतें आ सकती है मेरुदंड जब हम बोलेंगे, हालांकि ऐसा नहीं कोई समझता नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चों को चूंकि हम उनको पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में हैं, कई जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब वो पढ़ेंगे तो उसे उन्हें याद नहीं रहेगा, लेकिन ये कोशिश थोड़ा और पहले से होनी चाहिए या हिंदी को और बढ़ावा मिलना चाहिए किसी तरह शुरुआत में ही? मैं तो कहती हूँ कि हम चूंकि एक हिंदी राष्ट्र से आते हैं तो क्यों ना हमारी हिंदी बहुत बेहतर होनी चाहिए, न सिर्फ दुरुस्त होनी चाहिए। तो इसके लिए भी आपको लगता है कि पहले से प्रयास किए जाएँ, तो मेडिकल की पढ़ाई यदि करने हम आगे जा रहे हैं तो और बेहतरी होगी उसमें, जो जो छोटी क्लासेस हैं उसमें? जब भी शुरू करें तभी स्वागत है, क्योंकि अल्टीमेटली कभी तो शुरुआत होगी। पर इसमें आपका कहना बहुत सारा सही है कि कुछ वर्ड्स होंगे जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कभी कभी, पर उसका मेरे मेरे हिसाब से उसका आंसर ये है, जब तक ये पूरी तरह से सामान्यतः माना नहीं जा रहा, तब तक दोनों दोनों चीजों का उपयोग होना चाहिए। ब्रैकेट में उसको अपन इंग्लिश में रख सकते हैं, मेरुदंड है, हम ब्रैकेट में स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हैं उनको, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो सभी को आती है कि जी मेरुदंड को हम स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं। लंबे समय तक ये जब चलता रहेगा तो वो धीरे धीरे एक सामान्य हो जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड गायब हो जाएगा, मेरुदंड में ज्यादा चलता रहेगा, तो इससे क्या होगा, एक बहुत जल्दी ये आ जाएगी और एकदम ऐसे असामान्य भी नहीं लगेगा। हाँ, फिर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं डॉक्टर्स, वो भी फिर आगे फ्यूचर में हिंदी में लिख कर देंगे? हाँ, प्रिस्क्रिप्शन का तो इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम ज्यादातर फेस होता है स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, जी जहाँ तक सवाल है प्रिस्क्रिप्शन का, वो यूजली केमिस्ट के लिए होता है। जी जो प्रिस्क्रिप्शन होता है केमिस्ट उसको दवाई जी दे के, जी उसको पढ़ के दवाई देता है, तो उसमें जी इतने प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वो तो जिस भाषा में भी चाहे अपन लिख सकते हैं। जी जी हेलो डॉक्टर साहब, जी 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 आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आपका तो इतना अनुभव है और स्टूडेंट्स के साथ, अब हिंदी में जब मेडिकल की पढ़ाई होगी उनके बीच किस तरह की चर्चा है और कितने इसमें इंटरेस्टेड लग रहे हैं? हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते थे जहाँ बहुत ज़्यादा जहाँ इंग्लिश है या ऐसे शब्द हैं जो उनको समझ में नहीं आते थे, दिक्कत उन्हें वहाँ भी होती थी, तो क्या स्टूडेंट्स की रुचि इसमें होगी? बहुत ही इसमें एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिकल कॉलेजेस में जो भी एडमिशन हो रहे हैं और पिछले 5 साल में एडमिट हुए हैं, उसमें काफी लोग गांव के एरिया के हैं, रूरल एरियाज के हैं, जहाँ पे कि हिंदी पढ़ाई जाती थी और इंग्लिश के बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब वो पढ़ने आते थे मेडिकल कॉलेज में तो अपने आप को एकदम गुआ हुआ महसूस करते थे यहाँ पर। और इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जो शायद पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, कि 2018 में हमारी मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसमें कि हमने ये देखा था कि जो परीक्षाओं का माध्यम हमने ऑप्शनल कर दिया था कि जो हिंदी में परीक्षा देना चाहे वो हिंदी में दे, जो अंग्रेजी में देना चाहे अंग्रेजी में दे, क्योंकि
कई कई स्टूडेंट्स पार्सल पढ़ लेते थे, समझ लेते थे, पर उसे एक्सप्रेस करने का मौका आता था परीक्षा में, जो कि एक्चुअली माइंड एक्चुअली मैटर करता है परीक्षा में नंबर लेने के लिए। तो उस समय वो प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते थे वाइवा के समय, और पेपर में ठीक से लिख भी नहीं पाते थे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने हमने ये निर्णय लिया कि हिंदी में आप अपना जवाब दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में जवाब दे सकते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं सत्यकांत त्रिवेदी जी, जो कि हिंदी प्रकोष्ठ से हैं चिकित्सा के। बहुत स्वागत है आपका। और सत्यकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होने जा रही है, तो किस तरह देख रहे हैं सबसे पहले तो? और वाकई में जैसे डॉक्टर आर एस शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों का भी इंटरेस्ट होता है, आपके क्या विचार हैं? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं एमपी गवर्नमेंट को इसकी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए उन्होंने लीड लिया और आगे आकर के कर दिखाया, जो कि मुझे लगता है बहुत दिन से अपेक्षित था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एनीवेज, आपने बात की कि हम इसमें कर क्या, इसको कैसे देखते हैं। निश्चित तौर पर जब कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बात करता है, मातृभाषा में समझता है, उसको उसकी अभिव्यक्ति की आजादी होती है मातृभाषा में। जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 2018 में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि आप जिस भाषा में चाहें या जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा कि ये सत्यकांत जी, आपकी आवाज शायद संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राज शर्मा भी हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राज शर्मा हमसे जुड़ने के लिए। सत्यकांत जी आपका भी शुक्रिया वक्त हमें देने के लिए। तो सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल, तो जिस तरह से हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत हो रही है और इसमें सभी स्टूडेंट्स भी अपना सहयोग देंगे और सरकार की एक अच्छी पहल है दरअसल, क्योंकि हम लोग हिंदी राष्ट्र से हैं जाहिर तौर पर, तो हिंदी हमारी मातृभाषा भी है इसमें, और आसानी हो जाएगी समझने में। इधर अब तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं रायपुर से, जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। सीएम भूपेश ने पूर्व रमन सिंह से माफी मांगने को कहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह के एटीएम वाले बयान पर माफी मांगने को कहा उन्होंने। रमन सिंह ने सीएम भूपेश पर सोनिया गांधी का एटीएम होने का आरोप लगाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब जवाब दिया है, पलटवार किया है, और उन्होंने माफी मांगने को कहा है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को। आपको बता दें कि क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं। कौन डर रहा है? डरते कोई नहीं है, डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं, जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक उससे माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40-40 अधिकारी के घरों में ईडी जाके वहां पे छापा मारेगा। ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूं, साल भर से बोल रहा हूं, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। तो भूपेश बघेल को सोनिया गांधी का एटीएम कहा था, कांग्रेस को सोनिया गांधी का, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को विशेष तौर पर सोनिया गांधी का एटीएम कहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार आया, उन्होंने कहा कि माफी मांगे वरना मानहानि का दावा करूंगा मैं। इस पर स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वप्निल, अब वार पलटवार इस बयान के बाद और मानहानि के दावे की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो कहीं ना कहीं जारी हो चुका है। कल जिस तरीके से पूर्व सीएम रमन सिंह ने ये कहा था कि भूपेश बघेल सोनिया गांधी की एटीएम है और छत्तीसगढ़ का पूरा पैसा जो है वो एआईसीसी को भेजा जा रहा है, कुछ इस तरीके के आरोप लगाए थे, तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसको प्रमाणित करें, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो रमन सिंह पर मानहानि का दावा करने की बात जो है मुख्यमंत्री। सुशील नारायण शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वप्निल, और संचार विभाग प्रमुख हैं कांग्रेस के। सुशील जी,
सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर, जो कुछ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था, उसके बाद अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मानहानि का दावा करूंगा, माफी मांगनी पड़ेगी डॉक्टर रमन सिंह को। देखिए दरअसल छत्तीसगढ़ में अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ मची हुई है जो झूठ बोलेंगे, और झूठ बोल के जनता में सनसनी फैलाने की फितरत बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस नेतृत्व के एटीएम बन गए, मुख्यमंत्री 25 रुपए टन कोयले में वसूली कर रहे हैं। तो ये रमन सिंह जी ने आरोप लगाया तो उनको इसको प्रमाणित करना चाहिए या माफी मांगे। देखिए छत्तीसगढ़ में 50 की 50 कोयला खनाने केंद्र सरकार की, ऐसे में वसूली की बातें इस सीधे सीधे बदनाम करने की साजिश, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह जी ने झूठ बोला है। यदि वो अपने बयान को वापस नहीं लेंगे तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर करेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता एक साजिश के तहत सारे के सारे ने इनके केंद्रीय अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आए थे, उन्होंने भरी सभा में बोला कि छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की मौत 2 दिन पहले हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में किसी भी आदिवासी की मौत इतनी बड़ी तादाद में कहीं नहीं हुई थी, उन्होंने झूठ बोला। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने पामगढ़ की एक गौठान भैंसों नामक जगह पे गौठान में 92 से अधिक गायों की मौत का मौत का दावा किया, वो भी झूठा था। तो ये झूठ बोल के जो सनसनी फैला रहे हैं, ये आवश्यक है कि ऐसे झूठ बोलने वाले नेताओं के खिलाफ कानून का सहारा लिया जाए और डॉक्टर रमन सिंह की माफी नहीं मांगे। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं, सुशील जी उनको भी सुन लेते हैं। संजय जी झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलकर सनसनी फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया है कि मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा यदि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने माफी नहीं मांगी इस बयान पर। देखिए कहीं दिक्कत है क्या मुख्यमंत्री जी को मानहानि लगाने में, कहीं दिक्कत है तो उसको बताएं, उनको सहयोग किया जाएगा। मुझे लगता है ये सब चीजें ठीक नहीं है, आज नहीं लंबे समय से डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस बात को कहा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये सब कारण क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और ये जो दबाव बनाने का कि हम मानहानि करेंगे करेंगे नहीं करेंगे करें, कहीं किसी ने हाथ रोक के रखा थोड़ी ना है। देखिए ऐसा है जो लगातार जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, चाहे वो आईटी ग्रेड से चाहे ईडी के माध्यम से, तमाम प्रकार की जो चीजें सामने आ रही हैं, चाहे नान घोटाले में इनके 2 अधिकारी को बचाने की जो कवायद सामने आ रही है, जो जिस तरीके से शपथ पत्र कोर्ट के अंदर में गया है, तो मुझे लगता है ये देखिए पहले ही मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का बयान दिया ईडी और आईटी के छापे पड़ेंगे। जब सरकारें गलत करती हैं, कुछ खुद को मालूम रहता है कि गलत है, तो एक दबाव तो रहता है दिमाग में ये सब हो सकता है। तो मुझे लगता है उसी का प्रकटीकरण मुख्यमंत्री जी ने किया है, और मुझे लगता है कि बातचीत करने से बेहतर है कि जो करना है वो करें, ये सब बताने की जरूरत नहीं कि माफी मांगे। जो करना है करें, डरते नहीं हम, बल्कि हम सहयोग करेंगे कहीं कोई दिक्कत आएगी मुकदमा दर्ज करने में। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखलाई है, झूठ बोलकर राजनीति करना चाहती है। ऐसे झूठ बोलने वाले नेताओं को अदालत में घसीटने के लिए हमने कहा, हम अदालत में घसीटेंगे। अभी ईडी की कार्रवाई समाप्त नहीं हुई है, ईडी ने कोई टेस्ट आंसर नहीं लिया है। डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताना चालू कर दें कि ईडी में ये पकड़ाया, भैया आपने ईडी को। चलिए तो बहुत शुक्रिया सुशील जी हमसे बात करने के लिए, संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सीएम भूपेश बघेल ने अब पलटवार किया है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी के एटीएम है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भूपेश बघेल। अब इस पर उन्होंने कहा है मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे यदि डॉक्टर रमन सिंह माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो फिलहाल 3 खबर सबकी नज़र में इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।